दीपावली यानी आनंद का त्यौहार, उल्लास का उत्सव, प्रसन्नता तथा प्रकाश का पर्व। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपावली। अगर बात किया जाए, भारत की परंपरा संस्कृति हजारों सालों की है, जो कि आज भी झलकती है। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही घर की सफाई की जाती है और दीपावली के दिन घर को सजाई जाती है और दिए जलाए जाते हैं। दीपावली के दिन दरवाजा या गेट के सामने शुभ लाभ या तो रिद्धि सिद्धि, ऐसी रंगोली की परंपरा रही है। इसके पीछे सोच यही होती है कि दीपावली पर हमारे यहाँ समृद्धि आए। हर वर्ष आने वाला दीप पर्व यानी दीपावली सिर्फ हर्षोल्लास ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का प्रतीक भी है। दीपावली को पंच पर्व भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। इसके साथ ही नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज भी हर्षोल्लास से मनाई जाती है। दीपावली का पर्व धन प्राप्ति अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसके साथ ही हम लोग पांच महान पर्व मनाते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम लोग समझेंगे दिवाली से जुड़ी हुई कहानियां के बारे में, आखिर दिवाली को मनाने का रीजन क्या है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला आप लोग बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस यानी कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। ये भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले धन्वंतरी ने संसार में आयुर्वेद विद्या का प्रसार कर महान उपकार किए थे। और बात किया जाए यहाँ पे तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी उन्हीं भगवान का जयंती दिन है जिसे भगवान धनतेरस के रूप में हम लोग मनाते हैं, वो है धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी द्वारा एक रहस्य भी बताया गया है जो कि गांठ बांध लेनी चाहिए। जो पुरुष जिस देश में उत्पन्न हुआ है, उस देश को भूमि से उत्पन्न जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि ही उसके लिए वस्तुतः लाभकारी हो सकती है। अगर बात किया जाए अगला महान पर्व क्या होता है, तो वो है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी जो है, इसे छोटी दिवाली के रूप से भी पुकारा जाता है। पुराने के अनुसार अगर कहा जाए तो इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक अत्याचारी शासक का वध करके और इसी विजय की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। और तीसरा नंबर महान पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं, वो है दीपावली। भारत के संपूर्ण त्योहारों में दीपावली का अपना विशेष स्थान है। और दीपावली को हम लोग यहाँ पे समझेंगे भगवान राम से जुड़कर। पूरे साल में अगर बात किया जाए भगवान राम से जुड़े तीन प्रमुख उत्सव मनाया जाता है, जिसमें आपका आ जाएगा रामनवमी, विजयादशमी, दीपावली आ जाएगा। और यहाँ हम लोग बात करेंगे दीपावली के बारे में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने लंका नरेश रावण पर विजय प्राप्त कर कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष के अमावस्या को अयोध्या लौटे थे और इसी दिन को हम लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं। भगवान राम मर्यादा के साथ अस्त्र भी धारण किए थे। रावण ताकतवर रहने के बावजूद भी वो सही से उपयोग नहीं करने के कारण भगवान राम द्वारा मारे गए थे। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे भगवान राम से जुड़े भारत में महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला आता है जो अभी बन रहा है, राम जन्मभूमि अयोध्या। ये भगवान राम की जन्मभूमि है और ये भूमि जो है, जो अयोध्या है, जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। दूसरा मंदिर आता है जो कि है श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, जो कि भद्राचलम तेलंगाना में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको बता दूं ये साधु भद्रा से जुड़ा हुआ है और वो चाहते थे, उनकी तमन्ना थी कि भगवान राम यहाँ आए और उन्हें दर्शन दें, परंतु ये संभव नहीं हो पाया था। परंतु आपको बता दूं कि भगवान विष्णु के सातवें अवतार जो राम जी थे उनको माना जाता है। और आपको बता दूं भगवान विष्णु भगवान राम की जगह पे उनको दर्शन दिए थे। तीसरा नंबर अगर मंदिर की बात किया जाए भगवान राम से जुड़ा हुआ, तो वो आता है काला राम मंदिर, जो कि पंचवटी में देखने को मिलेगा। पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और पंचवटी में रामायण से जुड़ा हुआ बहुत सारी कहानियों का जिक्र है। उसी में से आपको बता दूं कि जो सुपर्णखा थी उसकी नाक कटने की घटना यहीं पे हुआ था। मारीच को हराए थे यहीं पे पंचवटी में ही और सीता हरण की घटना भी यहीं पर हुआ था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बिहार में हाजीपुर है, वहाँ पे राम चौराहा मंदिर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जनकपुर जाते समय यहाँ पे हाजीपुर में रुके थे और वहाँ पे स्नान भी किए थे। और इसे भगवान राम के पद चिन्हों वाला मंदिर भी कहा जाता है।
अब अगला मंदिर की बात किया जाए तो राम राजा मंदिर जो कि ओरछा मध्य प्रदेश में है, ये भी भगवान राम से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मंदिर है। अगला मंदिर आता है राम स्वामी मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है, और ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर में से एक है राम स्वामी मंदिर तमिलनाडु का। और इस मंदिर में भगवान राम के साथ में सीता जी, लक्ष्मण जी हो गए, और भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी का भी यहाँ पे प्रतिमा है। हनुमान यहाँ पे रामायण पढ़ रहे हैं ऐसा लोगों को कहा जाता है। अगला मंदिर की अगर बात किया जाए राम जी से जुड़ा हुआ तो राम मंदिर एक भुवनेश्वर में है, वो भी महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। अगला मंदिर की अगर बात किया जाए राम जी से जुड़ा हुआ तो रघुनाथ मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भगवान राम जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी समर्पित है। तो ये दीपावली मनाने का रीजन आपको बता दिए, और भगवान राम से जुड़े हुए भारत में मंदिर की बात किया जाए, अगर बात किया जाए दीपावली से जुड़ा हुआ और कहानी के बारे में, तो आपको बता दूं कि इनसे जुड़ा हुआ एक कहानी था जो कि संत कुमार संहिता में लिखा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि दैत्यराज बलि ने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लक्ष्मी सहित संपूर्ण देवताओं को अपने कारागार में डाल दिया था। लक्ष्मी के अभाव में जितने भी संसार में लोग रह रहे थे वो क्षुब्ध हो उठे थे। उस समय देवताओं की प्रार्थना पे भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बड़ी कौशल से उस पराक्रमी दैत्य को विजयी उस पे विजय प्राप्त किए, और दैत्यराज बलि ने प्रजा के ऊपर भारी कर जो लगाया था और उसे जो धन अपने यहाँ राजकोष में डाला था उसे वो क्या कि भगवान विष्णु ने समस्त संसार में विभक्त कर दिए थे। तो ये भी कहानी दीपावली से जुड़ा हुआ है। और बात किया जाए चौथा पर्व जो महान पर्व मनाते हैं हम लोग वो है गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा, गौ पूजा और अन्नकूट होता है। इसकी शुरुआत ऐसा कहा जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण पक्ष गोवर्धन पर्वत की तलहटी के उदार कृषि साधनों को नवीकरणीय के अवसर पर हुआ था। और एक ऐसी भी कहानी है कि प्राचीन काल में क्या हुआ था कि दीपावली के दूसरे दिन भारत में विशेषकर जो ब्रजमंडल वाला एरिया था वहाँ पे इंद्र की पूजा हुआ करते थे, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता है, और उन्होंने कहा कि गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत हो गया, वृक्ष हो गया, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनसे आप लोगों को लाभ मिलेगा। परंतु क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश के पश्चात जो थे तो लोग क्या किए कि पर्वत, वन और गोबर की पूजा तो शुरू कर दिए, परंतु इससे इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने क्या किया कि 7 दिनों तक लगातार वर्षा की अखंड झड़ी लगा दी थी, परंतु श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी जो चितली उंगली होता है ना उस पर उठाकर ब्रज को बचा लिया, और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना भी करनी पड़ी थी, ऐसा कहानी वर्णन है। अब पांचवां महान पर्व की अगर बात किया जाए दिवाली के साथ जो हम लोग मनाते हैं ये है यम द्वितीया, जिसको भाई दूज भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार माने तो इस दिन भगवान यम अपनी बहन यमुना के यहाँ मिलने जाया करते हैं, और उन्हीं के अनुकरण पे इस दिन लोग अपनी बहनों से मिलते हैं और उनसे आशीर्वाद रूपी तिलक भी प्राप्त करते हैं। तो ये महान पर्व जो कि दीपावली के साथ हम लोग मनाते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता हो गया होगा, और आप सभी को दिवाली और आगामी आने वाला जो आस्था का महान पर्व लोक पर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।